नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में स्वाति। अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से नगर निगम को लेकर, जहां शहर सरकार के विपक्ष ने महापौर को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड पार्षदों ने शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। पार्षदों ने बताया कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। जगह जगह की नालियां चौक है, गंदगी का अंबार है, हर गली चौराहे में कचरे का अंबार लगा है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जहां हर वार्डों में कीटों मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक है, वहां कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो रहा है। त्योहारों का सीजन होने के चलते सभी पंडालों एवं सभी धार्मिक स्थलों पर सफाई व्यवस्था की मांग के साथ साथ सफाई मित्रों की भर्ती, घर घर कचरा कलेक्शन, कीटनाशक छिड़काव जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विपक्ष ने महापौर अजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में ना तो फिनाइल ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है, ना ही सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशुओं में फैली लंपी वायरस एवं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की रोकथाम की उचित व्यवस्था की भी मांग विपक्ष के द्वारा की गई है। आइए सुनाते हैं उक्त मामले को लेकर विपक्ष और महापौर का क्या कहना है। पर जहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ड है, जैसे मेरा ही वार्ड सब्जी मंडी, नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों पे नहीं हुआ है। हम ये बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा भी सब्जी मंडी बनाने का प्रयास करें और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को बनाने का कोशिश की। दूसरा एक मेरा निवेदन है सर, कि जो हमारी लेबर है एनएच में लगाई जाती है डेली, और तीसरा अभी 10 दिन अभी सुनो, ब्लीचिंग है क्या आपने यहाँ? ब्लीचिंग है ना, डेली आप शाम को जितनी भी दुर्गा प्रतिमा है चूना के जगह वहाँ पर पीछे साइड ब्लीचिंग डलवाएंगे, मूर्तियों के पीछे साइड अगर जगह होगी वहाँ, और नहीं तो जहाँ पार्षद बताएंगे या जो वहाँ जो प्रतिमा वाले होंगे कमेटी वाले, उससे क्या होगा ब्लीचिंग से भी कुछ मच्छर कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सम्मानित पार्षद सब लोग आए हुए हैं सेकेंड पाली में पहले, और दवाई का छिड़काव उनके अनुसार कराएंगे, और 25 लोगों का पंचनामा बनाकर पुनः बार में जमा करेंगे। एक नंबर फॉगिंग मशीन मेन रोड में नहीं चलेंगी, फॉगिंग मशीन वहां चलेंगी जहां पर बार का पार्षद चाहेगा, जिस बार में जाएगी उस बार के संबंधित पार्षद को पार्किंग मशीन वाला बताएगा। नहीं नहीं, बार का पार्षद नहीं चाहेगा, हर पूरे बार के हर जगह चाहिए, बताएंगे ना। पर करेंगे सेकंड पाली में पहले, और दवाई का छिड़काव उनके अनुसार कराएंगे, और 25 लोगों का पंचनामा बनाकर पुनः बार में जमा करेंगे। एक नंबर पार्किंग मशीन मेन रोड में नहीं चलेंगी, पार्किंग मशीन वहां चलेंगी जहां पर बार का पार्षद चाहेगा, जिस बार में जाएगी उस बार के संबंधित पार्षद को पार्किंग मशीन वाला बताएगा। नहीं नहीं, बार का पार्षद वर्तमान में त्योहारों का सीजन चल रहा है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद 2-3 दिन में शहर का भ्रमण किया, रात में भी और दिन में। स्थिति ये देखने को मिली कि हर जगह कचड़ों का मार लग गया है, सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं पटरी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि त्यौहार का भी सीजन है, सभी धर्मों का त्यौहार है सामने। हम लोगों का ये मानना था कि हम लोगों ने पहले हेल्थ अफसर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो संसाधन है उतने में हम ये सब करा पा रहे हैं। हम लोगों को लगा कि नहीं, माननीय महापौर जी इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। हम लोगों ने कल फ़ोन पर चर्चा की थी और हमने बताया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि माननीय महापौर जी, हम आपसे ज्ञापन देते हैं और इसको आप स्वीकार करें और इन बिंदुओं पर आप जो है तत्काल कार्रवाई। हमने उसमें दिया है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लेबरों की कमी है, पार्किंग मशीन नहीं चल रही है, और जिस वार्ड के अनुपात पर लेबरों की भर्ती होनी चाहिए, हमारे जो सफाई मित्र हैं वो वार्ड के अनुपात पर होने चाहिए, किसी वार्ड में 40 है तो किसी वार्ड में 6 है, तो वार्ड के अनुपात और जनसंख्या के अनुपात पर ही वहाँ पर वो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कचरा गाड़ी के लिए तो हर वार्ड में एक गाड़ी या दो गाड़ी जानी चाहिए, बड़ी गाड़ी बड़ा वार्ड है तो दो गाड़ियाँ कम से कम वहाँ जानी चाहिए, और देखने में ऐसा आ रहा है कि एक गाड़ी से 4-4, 5-5 वार्डों के कचरे उठाए जा रहे हैं, इससे सफाई मतलब बिल्कुल नहीं हो पाई। आप भी कई पंचवासी से यहाँ पार्षद रह चुके हैं, आपके साथ भी पार्षद रह चुके हैं,
व्यवस्थाएं पहले भी यही थी तो पहले क्या ऐसा नहीं है, पहले हम लोग व्यवस्था बनाते थे और हमें नहीं लगता कि अगर व्यवस्था न बनाई होती तो शहर इतना हमेशा देखा गया कि एक ही गाड़ी से पांच पांच वार्ड पहले नहीं देखे जाते, पहले 52 गाड़ियां चलती थी, वर्तमान में हमको लगता है 20-22 गाड़ियां चल रही हैं। 52 गाड़ियों का हम लोगों के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है कि 52 गाड़ियां उस समय हम लोगों ने चलाई थी, हर वार्ड के लिए एक, बड़े वार्डों के लिए 2 गाड़ी, छोटे वार्डों के लिए 1 गाड़ी। आप मुख मांगे हैं बस यही कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो पटरी से उतरी है उसको पटरी पे ले आए। ये तो आप भी उनसे चर्चा कर सकते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है। फिर चर्चा हमने की थी, रिजल्ट शायद मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी, क्योंकि सारे लोगों का मन था कि हम लोग एक बार चल के बात कर लें। हमारी महापौर जी ने हमारी बात सुनी और ढंग से उस बात का स्वीकार भी किया, उनका कहना भी है कि हम जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधार लें। ज्ञापन सौंपा है ये नेता प्रतिपक्ष ने, क्या मामले ये सफाई व्यवस्था को लेकर है कि जो शहर में सफाई व्यवस्था इस समय ये बोल रहे हैं कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लेबरों की कमी है, फॉकिंग मशीन नहीं चल रही है, दवाई नहीं पड़ रहा है, मृत जानवरों का निष्पादन जल्दी से नहीं हो पा रहा है, उसकी समस्या को लेकर आए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पार्षद जन। तो इनको मैंने बताया है कि जो आप समस्या लेकर आए हैं वो समस्याओं पर कार्य हो रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो मैंने दोनों सफाई जो हमारे प्रभारी हैं उनको हमने बोल दिया है कि संबंधित पार्षदों के से संपर्क करके वार्डों में दवाई फॉकिंग मशीन का छिड़काव करें, और रैमकी के जो लोग हैं उनको ये बोल दिया गया है कि जो इंसुलेटर एक बिगड़ा हुआ है वो 3-4 दिन के अंदर बन जाना चाहिए और एक नया इंसुलेटर और लगाएं जानवरों के निष्पादन के लिए, जो 3 महीने के अंदर उन्होंने समय हम को दिया है कि 3 महीने में एक और लगा देंगे। अभी जो जानवरों के निष्पादन की व्यवस्था थी वो कुठुलिया फिल्टर प्लांट के पास थी, उसको अब वहाँ पर बंद करा दिया गया क्योंकि जगह नहीं है। अभी माइनिंग वालों से बात हुई है कलेक्टर साहब से, तो बनकुइयाँ में 10-15 दिन के लिए वहाँ व्यवस्था हुई है, तब तक हमारा इंसुलेटर चालू हो जाएगा तो जानवरों का निष्पादन हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में 3 दिन से सूअर मर के पड़े हुए थे, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उनको उठाया गया, 3 दिन तक लोग वहाँ सांस लेने के मतलब परेशान हो रहे थे, तो ये व्यवस्था क्या रैमी कंपनी की कोई कार्रवाई कर दिया? अभी जो आप ये शुगर की बात बता रहे हैं ये भी हमको भी जानकारी हुई है, अस्पताल की अपनी एक स्वयं की व्यवस्था है, उनको यह सूचना तत्काल नगर निगम को देनी चाहिए, उनके पास पर्याप्त अमला है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, अगर वो सूचना भी नहीं दे सकते हैं तो किसी चीज़ की जानकारी अगर नहीं होगी तो कैसे होगा। हर वार्डों में सुगरों के मरने की समस्या हो रही है, बीमारी फैली है फ्लू, हम लोगों के पास जो जानकारी आती है तत्काल उनको उठवाते हैं, उनका तत्काल निष्पादन कराते हैं, सम्मानित पार्षदों के पास आती है शिकायत वो भी उठवाते हैं। अगर अस्पताल से नहीं आई तो ये अस्पताल के डीन और अधिष्ठाता की गलती है जिसके कारण ये गड़बड़ी हुई है।